हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अनुराधा। तो आज हम बनाएंगे वेस्ट मटेरियल से DIY। और बात जब भी वेस्ट मटेरियल की आती है तो सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड दिखाई देता है। तो इस तरह की हमने इस चौड़े शेप वाले कार्डबोर्ड को हमने यहाँ पे ले लिए हैं, और ये बराबर नहीं था तो हम इसको पहले एक बराबर कटिंग कर दे रहे हैं। और इस तरह के हम यहाँ पे दो लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम दो इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारे पास जो कार्डबोर्ड था वो थोड़ा सा पतला कार्डबोर्ड था और हमें थिक कार्डबोर्ड की ज़रूरत थी। तो इस तरह से जो पतला मेरे पास जो कार्डबोर्ड था उसको हम यहाँ पे फेविकॉल लगा के दूसरे लेयर को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से जो हम करेंगे यहाँ पे, तो हमारा थिक कार्डबोर्ड यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास थिक कार्डबोर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से एक कार्डबोर्ड से भी ये DIY बना सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे एजेस है वो थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं दिखने में, तो यहाँ पे हम पेपर टेप या मास्किंग टेप, जो भी आप टिश्यू पेपर पेपर जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो करके इस एजेस को आप यहाँ पे अच्छे से इसको पैक कर दीजिए। तो यहाँ हमारा पूरा कवर हो गया है। और इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे कलर, तो यहाँ पे हम ब्राउन कलर लिए हैं। तो ब्राउन कलर इस पे जो हमारा DIY है तो उसमें हम यहाँ पे ब्राउन कलर का ही यूज़ किए हैं। तो ओवरऑल पूरा हम जो कार्डबोर्ड को ब्राउन कलर से कंप्लीट कर दिए हैं, और अब हम इसको रखेंगे साइड में। और फिर से हम लेते हैं कार्डबोर्ड, तो हम यहाँ पे इस तरह के कार्डबोर्ड लिए हैं पतले शेप के। और हम यहाँ पे यही शेप के हम तीन कार्डबोर्ड पीस जो है हम तीन पीस यहाँ पे कटिंग कर लेंगे सेम शेप में। तो यहाँ तीनों हमारा कटिंग हो चुका है और अब हम इस पे भी कलर कर देंगे। तो यहाँ पे हम फिर से ब्राउन कलर लिए हैं, और इस ब्राउन कलर से जो तीनों कार्डबोर्ड है हमारा जो कार्डबोर्ड पीस है, तो हम तीनों पीस पे सेम कलर से कलर करके हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कलर होके कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है डिज़ाइनिंग की, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह का डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ डिज़ाइनिंग के तौर पे हम बता दें कि जैसे कि फेस्टिव सीज़न आ रहा है, और फेस्टिव सीज़न के लिए हम तरह तरह के DIY बनाते हैं, अपने घर को सजाते हैं। तो आज का ये जो हमारा DIY है फेस्टिव सीज़न से रिलेटेड DIY है। तो ये जो हम DIY बना रहे हैं आप अपने रूम में कहीं भी आप लगा सकते हैं, आप इसको पूजा रूम में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये फेस्टिव सीज़न के पर्पज़ से ही ये हमारा DIY है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस डिज़ाइनिंग को यहाँ पे करके कंप्लीट कर दिए हैं। फिर हम दूसरा कार्डबोर्ड ले रहे हैं और इसका भी सेम हम बॉर्डर किए हैं। अगर आपको दूसरा डिज़ाइन मन हो, अगर दूसरा डिज़ाइनिंग भी आता हो तो आप वो करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहले में हम बॉर्डर दिए हैं तो सेम बॉर्डर दे दिए हैं, बट बीच में हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट लुक दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्वास्तिक बना रहे हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे कि फेस्टिव सीजन से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम ये स्वास्तिक बना रहे हैं, और ये जो हम बोले थे कि पूजा रूम में भी लगा सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इसी पर्पस से ये हम अपना DIY बनाएंगे। तो इस तरह से दोनों ऊपर नीचे जो दोनों हैं हम सेम डिज़ाइन बना लिए हैं, और बीच में स्वास्तिक का सिंबल दे दिए हैं, और कुछ डिफरेंट लुक देने के लिए यहाँ पे रेड कलर का थोड़ा सा टचअप दे रहे हैं। और इसके बाद जो कार्डबोर्ड हम दो लेयर में थिक कार्डबोर्ड लिए थे उस वो लेंगे, और इसके ऊपर हम इस जो कार्डबोर्ड पीस है इसके ऊपर हम फेविकॉल लगाएंगे, और फेविकॉल लगा के जो हमने डिज़ाइनिंग बनाए हुए थे और इसको इसके ऊपर हम अच्छे से अटैच कर देंगे। और इसी तरह जो हमारा दो और है तो बीच में हम यहाँ पे स्वास्तिक लगा रहे हैं, और थोड़े कम डिस्टेंस पे हम यहाँ पे इस कार्डबोर्ड पीस को यहाँ फेविकॉल की हेल्प से इसको हम अटैच कर देंगे। तो यहाँ तीनों हमारा अच्छे से अटैच हो चुका है, और ये खाली अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आपको अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा से इसको डिज़ाइनिंग कर रहे हैं बॉर्डर पे, कि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, और कुछ यहाँ पे येलो कलर का टचअप दे दिए हैं। और इस तरह से डिज़ाइनिंग करके हमारा ये बन के तैयार हो गया है फेस्टिव सीजन से रिलेटेड DIY। और अगर आपको नीचे में लटकन वगैरह लगाना हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इतना तो डिज़ाइनिंग करके लटकन लगा के हम अपना DIY को कंप्लीट कर दिए हैं, और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक जो काफ़ी प्यारा और काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो किस किस को ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट कर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट DIY के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर।